Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali. Welcome to AA Classroom. तो आज की इस स्पेशल सीरीज़ में हम LaTeX ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि what is LaTeX. तो LaTeX हमारे पास एक टेक्निकल राइटिंग सॉफ्टवेयर है, एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जिसको ज़्यादातर मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं. तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास एम एस वर्ड भी मौजूद है. तो इसकी वजह यह है कि एक तो LaTeX जो है इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. अल तो इसको समझना स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएं इट इज़ वेरी इजी टू लर्न. अगर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है LaTeX को समझने के लिए तब भी आप इसको सीख सकते हैं. तो LaTeX हमारे पास एक टेक्निकल राइटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, बुक्स, प्रेजेंटेशंस, जिसको हम LaTeX की ज़ुबान में बीमर्स कहते हैं, इस तरह आप CVs वगैरह बना सकते हैं, रेज्यूमेस वगैरह बना सकते हैं जिसको हम बीमर कहते हैं. तो LaTeX हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम थ्रू कमांड्स, इसको टेक्निकल सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं कि हम थ्रू कमांड्स, मुख्तलिफ कमांड्स को यूज़ करते हुए हम LaTeX को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को ईजीली क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आप इसका कंपेरिजन करें MS Word के साथ LaTeX का, तो इसमें जो इक्वेशंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो इक्वेशंस हम लिखेंगे थ्रू डिफरेंट कमांड्स, तो एक दफ़ा आप कमांड इसको दे दें, यानी MS Word में जब हम राइटिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास, हमें पता है कुछ ना कुछ हमारे पास मसले ये आते हैं कि एक दफ़ा हम अगर पिक्चर लगाएं उसमें तो पिक्चर हमारे पास समटाइम्स वो फिगर समटाइम्स मिसप्लेस हो जाता है, लेकिन LaTeX में ऐसा कोई सीन नहीं है. LaTeX में अगर आपने पेज मार्जिन ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है तो आपको जस्ट लिखना होगा, अपना टेक्स्ट लिखना होगा. LaTeX उस मार्जिन, उस पेज साइज, विड्थ, लेंथ, उसको खुद ब खुद एडजस्ट करेगा, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं होगी. तो हम इससे डरते हैं और कि LaTeX में सीखना, LaTeX को सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि LaTeX को सीखना बहुत ही ईजी है और आप इसको बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं. तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले LaTeX को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर समझेंगे कि हम किस तरह LaTeX को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं. बाय द वे, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप LaTeX का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा LaTeX को समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक बुक भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप उस बुक में हमारे पास वो एक ट्यूटोरियल गाइड है जिसमें आप सीख सकते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं. तो चले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल LaTeX. और LaTeX में हमारे पास बेसिकली एक है, हमारे पास इसको प्रोनाउंस LaTeX नहीं करते हैं, इसको प्रोनाउंस LaTeX करते हैं, LaTeX, अल्दो इट इज रिटन एज LaTeX. तो LaTeX नहीं बोलते हैं, LaTeX बोलते हैं इसको. इसी तरह हमारे पास एक होता है टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम अपना कमांड लिखेंगे और जिसमें हमारे पास आउटपुट आएगा, और एक होता है हमारे पास MiKTeX कंसोल. तो MiKTeX कंसोल में हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं और LaTeX में उसको फिर हम वहाँ पे हम उसको लोड करते हैं और उसका यूज लेते हैं हम उसका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह LaTeX को इंस्टॉल कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऑलरेडी मैं LaTeX को इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए आपने सबसे पहले ये एक फोल्डर है जिस LaTeX, इसमें हमारे पास दो फाइल्स हैं, वन इज द टेक्स्ट स्टूडियो और एक हमारे पास है बेसिक MiKTeX. तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, तो आपने इस पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक. तो ये है LaTeX, ये डेस्टिनेशन फोल्डर है जहां आप LaTeX को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप ब्राउज करके किसी भी डिस्क ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो लेट्स से मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है. तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हमने वो दूसरा फाइल, दूसरा सेटअप, दैट इज द बेसिक MiKTeX कंसोल, उसको इंस्टॉल करना है. तो टेक्स्ट स्टूडियो, इसमें हम अपना कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स यूज करेंगे, अपना टेक्स्ट इसमें लिखेंगे और अब आउटपुट को जनरेट करेंगे. और फिर आज ही इसी लेक्चर में हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे कि हम किस तरह अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट LaTeX में क्रिएट कर सकते हैं. तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपने बेसिक MiKTeX पे क्लिक करना है और इसको भी इंस्टॉल करना है. तो सबसे पहले आपने आई एक्सेप्ट द MiKTeX कॉपीइंग कंडीशंस, इस पे आपने क्लिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है. फिर इसमें लिखा है कि इंस्टॉल MiKTeX ओनली फॉर मी और इंस्टॉल MiKTeX फॉर एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स.
तो आप इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप यूजर हैं इस कंप्यूटर के, तो आप फर्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर वही बात, डिस्टिनेशन फोल्डर जहां आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कह रहा है कि ये डायरेक्टरी, तो आपने इस तरह करना है, कोई इसके साथ कोई न्यू फोल्डर बनाना है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि स्लेश लिख के न्यू फोल्डर, या आप लाटेक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लाटेक भी लिख सकते हैं, इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर पेपर साइज, तो A4 नॉर्मली, तो आप इसको अगर एज इट इज रहने दें, पेपर जो हमारे पास होता है डिफरेंट साइज इसके होते हैं, डिफरेंट A4 मुख्तलिफ इसके होते हैं हमारे पास। इंस्टॉल पैकेजेस ऑन द फ्लाई, तो अगर इसका फायदा ये है, इंस्टॉल मिसिंग पैकेजेस ऑन द फ्लाई, अगर आप लाटेक यूज कर रहे हैं, और आप हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह इसको पैकेज क्या होता है, तो अगर आपसे कोई पैकेज मिसिंग है और आप खुद ब खुद, तो लाटेक में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि वो उसको खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन के वक्त यस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल मिसिंग पैकेजेस ऑन द फ्लाई, तो अगर ये यस होगा, तो जब भी कोई पैकेज मिसिंग होगा और आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, तो लाटेक इसको खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, तो आप लाटेक को इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं। आपने इसको कंप्लीटली इंस्टॉल करना होगा, ये ओवरऑल प्रोग्रेस जो कंप्लीट, जब तक कंप्लीट ना हो आपने कैंसिल नहीं करना। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए, तो आपने क्लोज पे क्लिक करना है। तो मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। आपने कंप्लीट इंस्टॉल करना होगा इसको। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहां पे सर्च में आना है, और आपने लिखना है टेक्स्ट TEX, तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास आ गया है टेक्स्ट स्टूडियो। तो आपने इस पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक आपने इस पे करना है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपने ये समझना है कि हम लाटेक को क्यों यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने वाला हूं, डेट इज द, अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस एक्सिस पे हमारे पास है एफर्ट एंड टाइम कंजम्पशन, एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट कंप्लेक्सिटी। तो जाहिर सी बात है, लाटेक को समझना थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होता है, इसके कमांड्स को समझना कि हम किस तरह का इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए बिगिन डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट किस तरह यूज करते हैं, पैकेजेस को किस तरह यूज करते हैं, तो वो आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। तो डेट्स वाई इसकी डॉक्यूमेंट कम्प्लेक्सिटी, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये ज्यादा है। लेकिन अगर आप टाइम कंजम्पशन के हवाले से देखें, तो आप देख सकते हैं कि लाटिक की टाइम कंजम्पशन एज कंपेयर टू एमएस वर्ड, एज कंपेयर टू एमएस वर्ड बहुत ज्यादा कम है। यानी लाटिक को समझना, इसकी डॉक्यूमेंट कम्प्लेक्सिटी ये ज्यादा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं है। तो आप इसीलिए इसको समझ सकते हैं, और एमएस वर्ड जो हमारे पास है इसको समझना स्टार्ट में, यानी इसका इसमें इसकी डॉक्यूमेंट कम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है, लेकिन इसको इसमें डॉक्यूमेंट्स लिखना बहुत ही एक पेचीदा काम है, एज कंपेयर टू लाटेक। और एक दूसरी बात जो लाटेक को बहुत ही अच्छा बनाती है, वो ये है, अगर आप ये दोनों इक्वेशंस देख सकते हैं, डेट इज द वेव फंक्शन, और आप देख सकते हैं कि ये जो रेड में इनक्लोज हैं, ये हमने एमएस वर्ड में इसको जनरेट किया है, इस इक्वेशन को, और जो राइट में है हमने इसमें इसको लाटेक में जनरेट किया है। तो एक तो एमएस वर्ड में इक्वेशंस लिखने के लिए आपको वहां उस बार में जाना होता है, वहां इक्वेशन लिखने होते हैं, फिर एक एक चीज के लिए आपने वहां पे सिलेक्शन करनी होती है कि इन सिंबल्स इंस्टॉल करने हो, सिंबल्स को प्लग इन करना होता है, थीटा के लिए, फाई के लिए, साई के लिए, एक मुख्तलिफ हमारे पास सिंबल्स होते हैं। लेकिन लाटेक के लिए हर एक सिंबल के लिए हमारे पास एक कोड एक कमांड मौजूद है, यानी स्लेश साई, स्लेश पाई, स्लेश बैक स्लेश, इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास लाटेक में हर एक सिंबल के लिए हमारे पास लाटेक में एक कमांड मौजूद है। तो एक इसका जो लुक होता है एज कंपेयर टू लाटेक, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है।
तो इसको समझना, और जितने भी हम हमारे रिसर्चर्स होते हैं तो आप उनसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि जब भी उनको मैक्सिमम जो हम अगर फॉरेन जाते हैं तो वहाँ भी लाटेक को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर आप एमफिल वगैरह में रिसर्च करने वाले हैं और अगर आप बीएस लेवल में ये सीख जाएंगे तो ये बहुत ही एक असरकुन चीज़ है कि आपको लाटेक आता हो। तो ये बेसिक है, बिगेनर हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्ट से। तो जब आप, तो ये एक वजह कि हम लाटेक को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एम एस वर्ड। ही हम ये नहीं कह रहे हैं कि एम एस वर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली लाटेक हमें बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करेंगे? तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम बहुत ही इजी तरीके से हम अपना टेक्स्ट स्टूडियो खोलेंगे। टेक्स्ट स्टूडियो, तो इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, तो ऑलरेडी मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूं। तो आपने ऑप्शंस में आना है और कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो मेक श्योर कि इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। एक ये है कि इसमें ये जो कलर स्कीम है ये नॉर्मली जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये क्लासिक पे होगा, तो आपने इसको मॉडर्न पे करना है। तो ऑलरेडी मैं इसको मॉडर्न पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। फिर आपने यहाँ लेफ्ट पे आना है, उसके बाद आपने आना है एडिटर में। एडिटर में हमारे पास एक चीज़ है, डेट इज़ द शो लाइन नंबर्स। तो शो लाइन नंबर्स में इसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है ऑल लाइन नंबर्स, लेकिन ये जब आप स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये नो लाइन नंबर्स पे होगा। तो आपने इसको ऑल लाइन नंबर्स पे करना है। तो फिर आपने इसको सेव करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब इसकी वजह क्या है, ऑल लाइन नंबर्स, यानी जब भी आप कोड लिखेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं 1, तो आपको हर एक लाइन का नंबर पता होगा, लाइन 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो इसके लिए ये आपके लिए ये बहुत ही आसानी होगी कि अगर कोई एरर हमारे पास आ जाए तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ईजी होगा। इसके बाद हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको क्यों फोर्स करूं कि आप लाटेक को सीखें, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप क्यों लाटेक को सीखें। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाटेक में क्रिएट कर चुका हूं। मैं अपने फाइनल ईयर थीसिस भी लाटेक में लिख चुका हूं, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में लिख चुका हूं लाटेक में, और इसी तरह मैं CVs जिसको हम मेमोयर कहते हैं लाटेक की ज़ुबान में, मैं वो भी बना चुका हूं। तो कुछ एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है बीमर, जिसको हम कहते हैं बीमर। ये है मेरा प्रेजेंटेशन जिसको मैंने तकरीबन एक साल पहले इसको बनाया था, डेट इज़ आप देख सकते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन लाटेक में, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है हमारे पास। इसमें आप ये ब्लॉग देख सकते हैं, हेडिंग्स देख सकते हैं, ये टेक्स्ट आप लाटेक का देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे पास एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है लाटेक। इसमें लिखना, इसको सीखना बहुत ही इजी है। तो आपको मैं मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, इसी तरह ये भी मेरा एक प्रेजेंटेशन है, डेट इज़ द फेस शिफ्ट एंड द बोन अप्रोक्सीमेशन। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो फुटर पे आप देख सकते हैं पेज नंबर, डेट, लोगो वगैरह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और ये एक ही आप टाइटल कोड सीखने से एक ही, इसमें हमारे पास चंद एक कोड्स होते हैं, और टाइटल पेज को बनाने के लिए हमारे पास कम्बिनेशन में हमारे पास एक तीन चार कोड होते हैं, तो आपने वो समझने हैं। तो इसलिए आप टाइटल पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इसमें आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हमारा जो एजेंडा होता है वो हम लिखते हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक है लाटेक का। तो मैं इसमें ये खुद क्रिएट कर चुका हूँ, और इसका मैं आपको कोड भी दिखा सकता हूँ कि मैंने इसको किस तरह क्रिएट किया है। तो लेट्स से मैं इसका कोड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, इसी तरह मेरे फाइनल ईयर थीसिस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसमें जो अपने फाइनल ईयर थीसिस लिखे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये है मेरे फाइनल ईयर थीसिस, दिस इज माय फाइनल ईयर थीसिस। तो आप देख सकते हैं कि लाटेक में ये लिखना बहुत ही ईजी है एज कंपेयर टू। तो इसका लुक, इसका जो मार्जिन होता है पेज का, जो टेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एम एस वर्ड, बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरे फाइनल ईयर थीसिस हैं जो मैं लाटेक में लिख चुका हूँ, फाइनल ईयर थीसिस हैं मेरे जो मैं लाटेक में लिख चुका हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है लाटेक में। इसमें चीज़ों को समझना, लिखना स्टार्ट में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस करना है तो आप सीख जाएंगे इसको। तो डेट इज़ द रीज़न कि आपको लाटेक सीखना चाहिए।
और मैं आपके साथ चले कोड भी शेयर कर देता हूँ कि जो मैंने लिखा है उसका मैं एक का मैं आपके साथ कोड शेयर कर लेता हूँ। मैं लेट से मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मैंने लिखे हैं लाटेक में जो कि एक बीमर बनाया है इसका मैं आपके साथ कोड शेयर कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट। तो लेट से मैं सबसे पहले मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ कि आप देख सकें इसको समझेंगे कि हम किस तरह करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इसका कोड है, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कोड आप इस साइट पे देख सकते हैं, ये सारा कोड मैंने लिखा है और राइट साइड पे हमें फिर आउटपुट मिलेगा। तो जहाँ हम लिखते हैं इस एरिया को हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रक्चर जहाँ हम लिखते हैं, और एडिटर या जहां हम लिखते हैं, और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है, इस साइड पे राइट साइड पे हमारा आउटपुट सेक्शन है। तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो राइट पे हमें एक आउटपुट मिलेगा। अब हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट करेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इस तरह क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले आपने फाइल में जाना है, सबसे पहले आपने फाइल में जाना है, फाइल के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करें फिर आपने इसको डायरेक्टली सेव करना है, फिर आपने फाइल में जाना है और आपने सेव पे क्लिक करना है। तो जहां आप सेव करेंगे तो आई विल रिकमेंड कि आपने एक फोल्डर बनाना है उसके लिए। तो लेट से मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूं, तो आपने एक फोल्डर लेट से इसको मैं कह रहा हूं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आपने एक फोल्डर बनाना है और इस फोल्डर में फोल्डर क्रिएट हो जाए इस पर डबल क्लिक करना है और आपने सेव करना है। तो इसका फायदा ये होगा कि जितने भी फाइल्स हम इसमें बनाएंगे और सेव होंगे तो वो उस फोल्डर में हमारे पास सेव होंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका एक और फायदा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप कंपाइल करें, जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखें, तो उसका एक पीडीएफ फाइल हमारे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल डायरेक्टली हमारे पास जनरेट हो जाता है। और जैसे ही आप उसमें चेंजेस करें, उसको मजीद कंपाइल करें, चेंजेस करें, फिर आप कंपाइल करें, तो उस फाइल में भी हमारे पास चेंजेस होती जाएंगी। तो इसका एक फायदा तो यह है कि आपको पीडीएफ में एक फाइल मिल सकता है। एक और अच्छी बात कि अगर आपने अपना फाइल लिख लिया है, आपके लाटेक जो होता है वो हमें जो अपना आउटपुट फाइल देता है डेट इज इन द पीडीएफ फॉर्मेट, तो पीडीएफ में आपको वो फाइल मिलेगा। उस फाइल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन एमएस वर्ड। तो हमारे पास ऑनलाइन कन्वर्जन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ से एमएस वर्ड में और एमएस वर्ड से पीडीएफ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सो डेट इज नॉट एन इशू। तो सबसे पहले जब भी हम लाटेक स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये लाटेक को ये बताएंगे कि हम बुक लिखना चाहते हैं, बीमर लिखना चाहते हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन है क्या है, आर्टिकल लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, मेमोयर सीवी वगैरह बना रहे हैं, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट क्लास। तो लाटेक में जो भी आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे, जो भी कमांड आप लिखेंगे, तो उस कमांड से पहले हम लिखते हैं स्लेश, बैक स्लेश। तो बैक स्लेश डॉक्यूमेंट क्लास, बैक स्लेश डॉक्यूमेंट क्लास, और ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट्स हैं आप देख सकते हैं ये आ भी गया है स्लेश डैश डॉक्यूमेंट क्लास। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आप लाटेक समझ रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये तो इसमें आप ले लिखना है कि आप लेट से आप बुक लिखना चाहते हैं तो आपने लिखना है बुक, आप लिख सकते हैं बुक। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि पेज साइज क्या होगा, पेज साइज कितना होना चाहिए, A4 पेपर A4 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। लेट से मैं सिंपल स्टार्ट ले रहा हूं, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट से मैं एक बुक लिखना चाहता हूं, तो मैंने यहां लिखा बुक, आप यहां थीसिस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने आना है सेकेंड लाइन में। अब लेट से मैं कुछ लिखना चाहता हूं, तो पहले मैंने कह दिया लाटेक को कि मैं बुक लिख रहा हूं। अब बुक हम जब स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम यूज करेंगे कमांड डेट इज द स्लेश बिगेन डॉक्यूमेंट स्लेश, फिर ये करली ब्रैकेट्स, फिर डॉक्यूमेंट लिखना है, ये अभी गया है हमारे पास स्लेश बिगेन डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ एक और आ जाएगा एंड डॉक्यूमेंट। रिमेंबर कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा, जो भी हम लिखेंगे, वो बिगेन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में होगा, यानी ये हमारी प्रोग्राम की मेन बॉडी होगी। जो भी हम लिखेंगे वो बिगेन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में होगा, इसका आपने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई चीज आप इससे बाहर लिखेंगे एंड डॉक्यूमेंट से, तो वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। अब ये जो रीजन जो बिगेन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट क्लास के दरमियान में ये जो जगह है, ये जो जगह, इसको हम कहते हैं प्रीएम्बल।
और प्रीएम्बल में हम पैकेजेस को यूज करते हैं। पैकेजेस हमारे पास क्या है, लाटेक में हम मुख्तलिफ चीजें यूज करते हैं। अगर हम कोई कलर यूज कर रहे हैं तो लाटेक में हमारे पास बेसिक को चार कलर्स हैं, उससे ज्यादा हम यूज करेंगे तो लाटेक हमें कह रहा है कि आपने एक पैकेज यूज करना है, उस पैकेज से हम उस कलर को फिर यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई इक्वेशन का स्टाइल यूज कर रहे हैं, इसी तरह हम मुख्तलिफ चीजों के लिए जब हम लाटेक यूज लाटेक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो हम मुख्तलिफ पैकेज, उस पैकेज के बगैर फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर कोई हम इक्वेशन लिख रहे हैं और उसमें हमारे पास किसी चीज की जरूरत है और लाटेक के पास वो अवेलेबल ना हो तो हम मैकटेक कंसोल को यूज करते हुए वहां से पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पैकेज को यहाँ यूज करेंगे। और पैकेज को यूज करने का तरीका यह है, लेट्स से स्लैश यूज यूज पैकेज package, तो आप देख सकते हैं दिस इज द पैकेज। और स्लैश यूज पैकेज, इसको हमेशा हम डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के दरमियान में लिखते हैं, यानी पैकेज को हम प्रीएम्बल में हमेशा लिखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं एम स्मिथ, इसके अपने कुछ फायदे हैं, हम क्यों यूज करते हैं। तो समटाइम्स अगर पैकेज मिसिंग हो तो जो फाइल आप कंपाइल करना चाहते हैं तो वो हमारे पास कंपाइल नहीं होगा। तो जितने भी पैकेजेस आप लाटेक में यूज करेंगे तो उसका हमारे पास एक फायदा है। और लेट्स से यहाँ हम पैकेज यूज करेंगे तो हम एम स्मिथ, ये इसका कुछ अपना फायदा है एम स्मिथ पैकेज का। इसी तरह स्लैश यूज पैकेज, इसको पैकेज को यूज करने का तरीका ये है, प्रीएम्बल में इसको लिखते हैं तो आप हम कलर पैकेज को यूज कर सकते हैं। कलर इसका भी कलर पैकेज ये प्रोवाइड करता है कि हम इसमें नॉर्मली चार बेसिक कलर्स होते हैं, पिंक रेड इस तरह कुछ के कलर्स होते हैं हमारे पास, उससे ज्यादा कलर्स हम ग्रे ब्लू व्हाइट इस तरह कुछ और कलर्स यूज करेंगे तो फिर हम स्लैश यूज पैकेज कलर पैकेज को यूज करेंगे, तभी हम उन एक्स्ट्रा कलर्स को यूज कर सकेंगे। तो इस तरह पैकेजेस के हमारे पास अपने फायदे हैं, फॉन्ट साइज के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस हमारे पास। तो इसके बाद हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखेंगे, तो लेट्स से मैं लिख रहा हूं दिस इज, तो इसमें हम इसके दरमियान में हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। लेट्स से मैं ये लिख लिया है इसको मैंने, और मैं अब क्या करूंगा, यहां पे लिखा है कंपाइल, तो कंपाइल ये एक्चुअली हम कंपाइलेशन इसलिए करते हैं कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसको पहले चेक करेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको इस सेक्शन में नजर आएगा कि किस लाइन में एरर है। फिर आपने तो डायरेक्टली आपने इस डबल ग्रीन एरो पे क्लिक करना है, बिल्ड एंड व्यू, तो आपने वेट करना है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कंपाइल हो रहा है, तो यहां जो हमने लिखा है, यहां लिखा है प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली, तो हमारा आप देख सकते हैं यहां पे हमने अपना कोड लिखा, अपना टेक्स्ट लिखा और यहां पे हमारे पास रिजल्ट जनरेट हुआ, दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सो दिस इज द वे हाउ टू, तो आप इसमें मजीद लिख सकते हैं, दिस इज लाटेक फॉर लाटेक फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो जैसे ही आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे और इसको कंपाइल करते जाएंगे तो आपका आउटपुट यहां पे जनरेट होता जाएगा। तो ये तो आज हम बेसिक चीजें कर रहे हैं कि हम किस तरह लाटेक में अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। अब आपने लेट से ये आपने लिख लिया है और आपसे बाय मिस्टेक ये लेट से ये प्रोग्राम आपसे क्लोज हो जाए, तो इस ये हमारे पास लेट से क्लोज हो गया है, तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी लाटेक इसको ऑटो सेव, इसमें एक फीचर है ये ऑटो सेव होगा। तो जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आप इसमें आएंगे तो आप देख सकते हैं लाटेक ने ऑलरेडी इसका एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर लिया है, डेट इज द माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आपने इस पे क्लिक करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस लाटेक फर्स्ट, दिस इज द लाटेक फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, हमने एक एग्जाम्पल ली है। तो दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट यूर फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन लाटेक, दिस इज वेरी इजी टू लर्न, इतने मुश्किल इसमें कोई चीजें नहीं है। लेकिन आज हम अपनी वीडियो को इतना लेंथी नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी लेंथी हो रही है हमारे पास, लेकिन और ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने दोबारा इसको ओपन करना है तो आपने माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपने, और माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओपन होगा और आप वहां से इजीली उसको, तो फर्स्ट टाइम आपने इसको सेव करना है, सेकंड टाइम ये खुद ऑटोमेटिकली सेव होगा, तो फिर आप यहां अपना कोड मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई लेट्स से मैं टाइटल पेज बना रहा हूं
तो टाइटल पेज के लिए मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा, हम यूज करते हैं लेट से टाइटल का ऑथर होगा तो स्लेश ऑथर, ऑथर मीन जो इसका लिखने वाला है, लेट से मैं अपना नेम लिखते हैं लिख लेता हूं मिस्टर अहमद अली। फिर आपने टाइटल के बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल टाइटल के बाद हम लिख सकते हैं सबसे पहले टाइटल हम लिख लेते हैं स्लेश टाइटल। तो टाइटल मींस जो हमारा, तो हम रिमेंबर टाइटल के बाद आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी भी आपको कह रहा है कि स्लेश टाइटल के बाद दो करली क्लोज ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं टाइटल कुछ भी हो, दिस इज लाटेक ट्यूटोरियल सीरीज। फिर ऑथर इसका कौन है, कुछ भी आप नेम देख सकते हैं। ये जस्ट आज की फर्स्ट वीडियो में बहुत ही बेसिक चीजें हम कह रहे हैं। डेट स्लेश डेट, तो आप देख सकते हैं स्लेश डेट यानी जो आज का डेट होगा। तो अगर आप यहां लिखेंगे कुछ अपना, आप इसमें अगर ये देखना चाहते हैं जब भी आप लाटेक को कंपाइल करें रन करें तो उस दिन जो डेट होगा वही डेट उस डॉक्यूमेंट में आ जाए, तो आपने सिंपली इसके अंदर स्लेश डेट के अंदर स्लेश टूडे लिख देना है, स्लेश टूडे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस दिन आप इसको कंपाइल करेंगे उसी दिन का जो डेट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट में लग जाएगा। तो स्लेश टुडे के बाद आपने लिख लेना है स्लेश मेक टाइटल। तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक बुक में आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको मैंने कहा वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उससे गूगल ड्राइव मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लाटेक सेटअप भी मौजूद है, आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह मैंने बुक भी शेयर कर लिया है मेक टाइटल। तो मेक टाइटल ये चार जो हमारे पास हैं इसको आपने कम्बिनेशन में यूज करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा तो आपके पास एक आउटपुट जनरेट होगा, आप देख सकते हैं दिस इज द वे। तो देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत आउटपुट है, दिस इज द लाटेक ट्यूटोरियल, दिस इज द टाइटल, मिस्टर अहमद अली, दिस इज द ऑथर एंड मार्च 29, 2021। ये इसका हमारे पास एक व्यू है। तो जैसे ही आप, अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज करके अपने फाइल में आएंगे, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है और आप देख सकते हैं ये आपका बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट। सेंटर पे ये सब कुछ होगा, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये लेफ्ट पे है राइट पे है, लाटेक खुद इसको एडजस्ट करेगा। फिर हम मजीद चीजें इसमें देखेंगे, कुछ ये चेंजेस इसमें करेंगे, लेकिन आज की ये बेसिक वीडियो है इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे पास लाटेक बुक है और इसमें जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो हमारे पास, और इसी बुक को मैं लाटेक में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। तो लाटेक बिगिनर फॉर ट्यूटोरियल, लाटेक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, और ये इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। अभी हम इंट्रो कर रहे हैं, लाटेक को समझ रहे हैं लाटेक क्या है, तो आप देख इसको पढ़ सकते हैं कि लाटेक हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी वजह क्या है। ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न। तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे, मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा चुका हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, नो नीड टू गो इन टू द डिटेल, ईजी है इसको समझना। और ये आप देख सकते हैं इसके हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ हम राइटिंग सेक्शन करते हैं जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और यहाँ इसका आउटपुट सेक्शन होता है। फिर जो भी हमने डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट क्लास ए पेपर 12 ABT, तो ये क्यों ए पेपर साइज़ ये मैंने लिखा नहीं वहाँ, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 12 point यानी ये फॉन्ट साइज़ होता है हमारे पास, बिगिन डॉक्यूमेंट लिखते हैं एंड डॉक्यूमेंट लिखते हैं और इसके दरमियान में हमारे पास जो भी हम लिखते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान में लिखते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्लास, जब भी हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे कि क्या हम लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्टार्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट की एंडिंग भी होगी, इसलिए हम बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट दोनों को यूज़ करेंगे। फिर हमने क्रिएटिंग अ टाइटल, टाइटल पेज भी हमने क्रिएट किया, जिस तरह दिस इज द लाटेक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ऑथर इज डॉक्टर शाहिद अली यूसुफ़ज़ई, एंड थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक सर डॉक्टर शाहिद अली के वो हमारे टीचर रह चुके हैं और उन्होंने, उन्हीं से हमने ये सीखा है, एंड डेट्स व्हाई आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शाहिद अली, एंड थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन फॉर द स्टूडेंट्स। और
आई वुड लाइक टू से कि आप डॉक्टर शहीद अली सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, डेट इज़ द सेफ फिजिक्स, कैपिटल SAY फिजिक्स, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं रिगार्डिंग फिजिक्स, और इसके अलावा ओरिजिन लैब, लाटेक, तो इन चीज़ों तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं, ईजिली आप सीख सकते हैं। तो ये है टाइटल पेज को क्रिएट करने का तरीका। दिस इज द टाइटल, डेट इज द लैटेक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ऑथर डेट इज द डॉक्टर शाहिद अली, आप नेम लिख सकते हैं, डेट जो आज का डेट होगा, एंड मेक टाइटल। तो ये है चार जो हमारे पास कोड्स हैं, इन कम्बिनेशन हम इसको यूज करते हैं। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टूडे, डेट इज द बिगिनर। और ये हमने देखा कि हमने किस तरह लैटेक में अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो बहुत ही हमारे पास एक, अगर आप इसको फुल व्यू में देखेंगे, फुल व्यू में, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज वेरी अट्रैक्टिंग। फुल स्क्रीन मोड में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिंग है, आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी अट्रैक्टिंग। आप इसके फुटर को देख सकते हैं। तो लैटेक को समझना बहुत ईजी है, लेकिन हम वैसे इससे डरते हैं, हम कहते हैं इसमें कोड्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, और आपने, आपसे मैंने ये शेयर किए हैं। और एक और बात, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखें, यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपका ऑलरेडी PDF खुला हुआ है, ये लेट से ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया है, हमारे पास ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, इसका जो PDF फाइल है इसको मैंने ओपन किया है, और मैं इसके टेक्स्ट एडिटर में लिख रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा डॉक्यूमेंट को, तो एरर आएगा हमारे पास। तो मेक श्योर कि आपने PDF को क्लोज करना है, फिर आपने रन करना है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं इसको ओपन कर चुका हूं, और जैसे ही मैं अब इसको जब जैसे ही रन करूंगा तो एरर आएगा मेरे पास, आप देख सकते हैं। चूंकि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट एरर लाइन 12, तो इसका आई कांट राइट ऑन फाइल। तो इसका मतलब ये है कि आपने PDF फाइल इसका खोला हुआ है, दिस इज द PDF फाइल, तो आपने इसको क्लोज करना है सबसे पहले, फिर आपने इसको रन करना है। और अगर आपसे कोई ब्रैकेट वगैरह मिसिंग हो जाए, लेट से ये मिसिंग है, तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, इट मींस कि इसका जो फेलो ब्रैकेट है वो मिसिंग है। तो जो हमारे पास ब्रैकेट मिसिंग ना हो, अगर मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये येलो होंगे, येलो मींस के ब्रैकेट इसके सही हैं, दोनों इनक्लोज्ड हैं। अगर इनक्लोज्ड नहीं होंगे, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका राइट ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये कह रहा है कि आपने राइट ब्रैकेट लगाना है, वरना अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो ग्रीन पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एरर आएगा। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह हम मजीद वीडियोस बनाते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।